नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिला महिला कांग्रेस की महिलाओं और बच्चियों ने आज बालाघाट नगर मुख्यालय स्थित जिला कांग्रेस कमेटी के हनुमान चौक स्थित कार्यालय के सभागार में धूमधाम से रंग पंचमी के अवसर पर फागोत्सव समारोह मनाया और बच्चों को लेकर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। समारोह के दौरान होली के गीतों पर कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुति भी पेश की गई। इसके अलावा फूलों और गुलालों की होली खेलकर और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी गई। इस दौरान कांग्रेस नेत्रियों ने कहा कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है। इस पर्व को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। त्यौहार कोई भी हो, सबको एक दूसरे के साथ ही मिलकर मनाना चाहिए। उन्होंने सभी से होली के पर्व को शांतिपूर्वक और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि ईद, दीपावली, होली जैसे त्यौहार एकता का संदेश देते हैं। इसके बाद राधा कृष्ण रास के साथ फूलों की होली भी खेली गई। अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को गले लगाते हुए होली की शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर मुख्य रूप से रचना लिल्हारे, महिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष पुष्पा बिसेन, पूर्व उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस अंजू जायसवाल, कोऑर्डिनेटर महिला कांग्रेस श्रीमती संजय पटेल, अध्यक्ष शहर महिला कांग्रेस शेफाली बुधरानी, सुमन केवलानी, जुबेदा अंसारी, खुशबू सोनी, सीमा सिंह उपस्थित रहीं। तो वहीं इस फाग उत्सव कार्यक्रम में राजनीति में सक्रिय रहने वाली 6 महिलाओं ने आज महिला कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की, जिसमें श्रीमती सीमा सिंह, यशिका सोनी, खुशबू सोनी, लाजवंती बतानी, श्रीमती सुनीता मिश्रा, नेहा रतानी शामिल हैं। आज होली का, पंचमी का त्यौहार हम सभी बहने बालाघाट जिले में कांग्रेस कार्यालय में मना रहे हैं। मैं श्रीमती संध्या पटेल, शहरी जिला अध्यक्ष। ऐसा कहते हैं शास्त्रों के अनुसार कि शिवरात्रि के बाद महा शंकर जी और महा पार्वती जी पहली बार गोकुल में कृष्ण जी के साथ होली खेलने आए थे और हर्ष उल्लास मनाने आए थे। उसी के अनुसार होली का त्यौहार मनाया जाता है और सब खुश रहें और जीवन में सब सबके खुशहाली रहें, भाईचारा में एकता रहे, इस पर्व को हम इस तरह मनाते हैं। सभी मेरी प्यारी बहनें बालाघाट की, सभी प्यारे भाई और बड़े, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिचय? मैं श्रीमती संध्या पटेल, जिला अध्यक्ष शहरी। आज महिला कांग्रेस के तत्वावधान में जिला कांग्रेस कार्यालय में होली मिलन समारोह रखा गया है और होली मिलन समारोह रखने का उद्देश्य भी यही है कि हमारे आपस में प्रेम और भाईचारा बना रहे और इस अवसर पर सभी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बच्चों के साथ में हमारी सारी बहनें यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, महिला कांग्रेस की। मैं इस अवसर पर सभी के सुखद जीवन की और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबका जीवन सुखद रहे, उज्जवल रहे, उनको सुख समृद्धि प्राप्त हो, यही इस अवसर पर मैं रखता हूँ। बताएंगे तो आज होली मिलन, आज रंगपंचमी का अवसर है। इस दिन हमने पूरा महिला कांग्रेस के यहाँ कांग्रेस कार्यालय में हमने होली महोत्सव रखा है। इसमें बच्चों की प्रतियोगिता रखी है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखा है, जिसमें राधा कृष्ण की थीम रखी है। सभी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं जो राधा कृष्ण के रूप में यहाँ आए हैं और हम होली मिलन समारोह रखा है, फाग उत्सव रखा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमने रखा है। सबको रंगपंचमी की हार्दिक बधाई। आज यहाँ जिला महिला कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस कार्यालय में होली मिलन का समारोह रखा गया है, जिसकी शुरुआत हमने पिछले साल फाग महोत्सव मना के की और इस बार हमारी सभी बहनों के साथ हम लोग होली का ये पर्व मना रहे हैं। रंगपंचमी का पर्व ऐसे आपसी सौहार्द और प्रेम बढ़ाने का रंगपंचमी का महत्व, इसे आगे बढ़ाते हुए हम सब महिला कांग्रेस की बहन आप सबको धन्यवाद देती है और रंगपंचमी की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।